हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वन मोर वीडियो। ये मुझे कोई पार्लियामेंट हाउस लग रहा है, बंद दिख रहा है उधर बाहर। फ्लैग ब्लैग यूक्रेन का फ्लैग दिख रहा है। यूक्रेन में और भी चालू है तो सब यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। सब कुछ प्लान तो नहीं है पर ऐसा ही घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे सिटी में। तो अभी मेरे आप पीछे देख रहे हैं, अभी मैं एक पार्क में हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्क है, क्वाइट है, शांति है, एकदम अच्छा लग रहा है। आपको भी आई होप वाइब दे पाऊँ जो वाइब्स मेरे को मिल रही है। काफ़ी एनर्जेटिक लोग हैं यहाँ पे, दोपहर में भी रनिंग कर रहे हैं। अभी बता दो आपको दोपहर के 1 बज रहे हैं यहाँ पे। एक अनो मेरे वीडियो को अपलोड होने काफ़ी टाइम लग जा रहा है। लगभग 10-15 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। सो होपफुली मैं आज या तो नेक्स्ट टू थ्री डेज में आई विल अपलोड माय ब्लॉग, बिकॉज मेरे पास इंटरनेट इतना मिल नहीं रहा है कि उसको मैं अपलोड कर सकूँ, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो वीडियो के लिए मैं। अभी मैं कॉफ़ी लेने आया हूँ, कॉफ़ी लेके और मैं अभी फिर जाऊँगा बाहर। कॉफ़ी के साथ मैं अगर कुछ ले लूँगा तो ठीक। लोग को मालूम है अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उसके प्रोटेस्ट में सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। उधर भी अभी हो रहा है क्योंकि ये कंट्री यूक्रेन और रशिया के नज़दीक है। तो आपको बताता हूँ तो क्या हो रहा है। सब बैनर लगे हैं रशिया के फ्लैग वगैरह। ये यहाँ पे पूरा रशिया यूक्रेन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, होता है मतलब नॉर्मली। इतना भी मैं 1-2 घंटे से बाहर हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी सिटी, बहुत ही मतलब सब चीज़ें यहाँ पे जो एक टूरिस्ट को, एक किसी बंदे को चाहिए जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आता है। जो यहाँ पे अभी एक सिम कार्ड लेना है क्योंकि अभी मैं यूरोप में हूँ 3-4 महीने के लिए, तो एक अच्छा सिम कार्ड ढूंढ रहा हूँ जो पूरे ऑल ओवर यूरोप में एक्सेस कर सकूँ विथ सो मच GB इनसाइड, सो ईजी फॉर मी टू डाउनलोड एंड टू अपलोड माई वीडियोज़ फॉर यूट्यूब। चलते चलते अभी मैं काफ़ी डीप एकदम सेंट्रल ऑफ द सिटी में आ गया हूँ, तो मेरे को अभी यहाँ से H&M दिख रही है, मॉल भी। एक सिम कार्ड का मैंने लोकेशन डाला था गूगल पे, तो फुली वो मेरे को वहाँ तक पहुँचा देगा। यूरोप में ना सुपर मार्केट कल्चर बहुत फेमस है, मतलब इधर कॉफ़ी ले लिया है पॉकेट मैंने,
शॉपिंग चालू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा टुक टुक। ये जो सब चॉकलेट है, रफाइलो, मर्सी, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। फेरो रोज़ा मेरे को इतना खास लगता नहीं है तो मैं खाता नहीं हूँ। मेरा जो फेवरेट एरिया है वो ये है, चिप्स वगैरह का। चिप्स मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ, क्रीमन ओनियन चिली। देखो भाई, 200 रुपये का नहीं, 150 रुपये का एक पीनट का पैकेट है, कितना एक्सपेंसिव है। और अपन इंडिया में दाने को फेंकते डायरेक्ट, खाते ही नहीं है जल्दी, भैया से इससे उठा उठा के खा लेते दुकान से। ऐसा नहीं है कि सब अपन ने सामान बाहर का ही है, यहाँ पे इंडिया के भी काजू मिलते हैं। 19 यूरो पर केजी बोले तो कितना हो गया, अभी काउंट कर लो तुम, 89 से 1 यूरो, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आ गया हूँ बेकरी साइड में, यहाँ पे क्रोसोन है, फ्रेश ब्रेड है, फ्रेश पता नहीं फ्रेश है क्या है, पाव है, मस्का पाव, मस्का पाव वाले पाव है, पता नहीं, डोनट्स है। उसलिए यहाँ पे पब्लिक ब्राउन ब्रेड, ब्लैक ब्रेड ज़्यादा खाती है। इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, यहाँ भी इंडियन रेस्टोरेंट है, ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, तो अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। सिंगास करके रेस्टोरेंट का, वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाएगा। अभी खाना आ गया, आपको बताता हूँ खाना कैसा है दिखने में, खाने में तो अच्छा ही होगा। ये बिरयानी, गार्लिक नान, चिकन टिक्का मसाला। तो खाना खा लिया है फटाफट से और अभी ऑफिस में जा रहा हूँ। खाना ठीक था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, नॉर्मल था, अच्छे से बनाया था, अच्छे से प्रेजेंट भी किया था।